स्टार शाहरुख खान को भी सलमान खान की तरह एक बड़ी धमकी मिली और धमकी देने वाले के आरोपी ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है कि इसका कनेक्शन हिरण के शिकार से ही है। हिरण के शिकार से ही सलमान खान को धमकी देने वाले विश्नोई गैंग का कनेक्शन है। ऐसे में शाहरुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और उन्हें इसलिए फंसाया जा रहा है अब जो पता चल चुका है। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें, मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में कॉल करके शाहरुख को जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की जांच में पुलिस को पता ये भी चला कि ये कॉल रायपुर से किया गया है। जिस नंबर से कॉल किया गया वो फैजान खान नाम के एक व्यक्ति का है और फैजान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा उसका फ़ोन 2 नंबर को चोरी हो गया था, 2 नवंबर को। मगर अब फैजान ने एक चौंकाने वाला दावा किया है, उसके इस दावे का कनेक्शन हिरण के शिकार से है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ा काले हिरण का शिकार का मामला 24 साल बाद फिर खबरों में बन गया है। शिकार वाले मामले को ही बॉलीवुड सुपरस्टार से अपनी दुश्मनी की वजह बताया। सलमान को जान से मारने की धमकी देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अब शाहरुख को धमकी देने वाले आरोपी फैजान ने कहा कि उन्होंने शाहरुख के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, इसलिए उन्हें अब धमकी देने के मामले में फंसाया जा रहा है। फैजान ने कहा था कि शाहरुख पर 2 समुदाय में दुश्मनी पैदा करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसने एक वीडियो का लिंक शेयर करते हुए शाहरुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। फैजान का आरोप था अंजाम 1994 में आई फिल्म में शाहरुख ने दिखाया कि उन्होंने एक हिरण की हत्या की और वो अपने स्टाफ से उस हिरण का मांस पकाकर खाने को कहते हैं। फैजान का आरोप है कि फिल्म में इस तरह का सीन दिखाया जाना 2 समुदायों में दुश्मनी का कारण बन सकता है। एक वीडियो में फैजान ने आरोप लगाया है कि कुछ आतंकी तत्वों में से भी शाहरुख का कनेक्शन है और ऐसे में इस तरह के गंभीर आरोपों में सलमान खान के बाद शाहरुख का फंसना उन्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में श्रुति की रिपोर्ट।